हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज टेस्टिंग से रिलेटेड अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप चाहें तो उनको विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अल्फा टेस्टिंग के बारे में। तो मैं अल्फा टेस्टिंग आपको बताती हूँ कि क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ही एक ये टाइप है जिसको हम बग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब हम प्रोडक्ट को रियल यूजर को डिलीवर करने वाले होते हैं उससे जस्ट पहले। यहाँ लिखा भी है बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू रियल यूजर्स और टू द पब्लिक। जब हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करने वाले हैं उससे जस्ट पहले जो हम टेस्टिंग करते हैं वो अल्फा टेस्टिंग कहलाती है। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग को हम एक कैटेगरी है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उसके अंदर हम इसको कैटेगराइज करते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है उसका एक टाइप है अल्फा टेस्टिंग। तो जस्ट डिलीवरी से पहले जो टेस्टिंग हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है, इट प्रोवाइड्स बेटर व्यू अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एट एन अर्ली स्टेज। ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम डिलीवरी से पहले इसको टेस्ट कर रहे हैं तो हम इसको एक तरीके से जो डेवलपमेंट कंपनी है उसके एंड पे एक लास्ट टेस्टिंग हम इसको समझ सकते हैं देने से पहले। तो एक कंफर्मेशन है कि जो भी चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं मार्केट में वो हमारी तरफ से बग फ्री है, एरर फ्री है। इट हेल्प सिमुलेट रियल टाइम यूजर बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। जो भी रियल टाइम यूजर्स हैं उनको सिमुलेट करके उनके एंड पर आकर सोचा जाता है कि वो किस तरीके से सिस्टम को यूज करेंगे। उसी तरीके के इनपुट वैल्यूज टेस्ट केसेस यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं और उन्हीं टेस्ट केसेस के लिए अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। इसके थ्रू कई बार बहुत सीरियस एरर्स हमको फाइंड होकर मिलते हैं जो कि डिलीवरी से पहले ही हमको मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है इसके साथ कि कस्टमर को डिलीवर होने से पहले ही एरर हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम डिजाइन और फंक्शनैलिटी से रिलेटेड एरर्स भी यहाँ पर फाइंड कर पाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें अल्फा टेस्टिंग में, तो अगर हम अल्फा टेस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि फंक्शनैलिटी जो है वो ऐसे टेस्ट नहीं की जा सकती सॉफ्टवेयर के। कैन नॉट बी टेस्टेड एज सॉफ्टवेयर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट स्टेज। समटाइम्स डेवलपर्स एंड टेस्टर्स आर डिससैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स ऑफ अल्फा टेस्टिंग। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो है अल्फा टेस्टिंग जब की जाती है तब हमारा जो सॉफ्टवेयर है हो सकता है कि उसका कुछ पोर्शन डेवलप ना हुआ हो, तो उस केस में हम पूरे तरीके से अल्फा टेस्टिंग को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा टेस्टिंग। तो बीटा टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो इट इज परफॉर्म बाय रियल यूजर्स। रियल यूजर्स जो हैं वो बीटा टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अ रियल एनवायरनमेंट। एंड बीटा टेस्टिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो बीटा टेस्टिंग जो होती है वो भी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का ही एक पार्ट है। अभी इससे पहले मैंने आपको अल्फा टेस्टिंग बताया था और अल्फा टेस्टिंग भी जो है वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का ही एक टाइप है। इसी तरीके से बीटा टेस्टिंग भी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का ही एक टाइप है। डिफरेंस क्या है, अल्फा टेस्टिंग कस्टमर को डिलीवर होता है प्रोडक्ट उससे पहले की जाती है और बीटा टेस्टिंग जो है वो कस्टमर के डिलीवर होने के बाद कस्टमर एंड पर की जाती है। सपोज ये की डेडलाइन है, ये डिलीवरी है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाया है दैट इज डिलीवरी स्टेज। तो इससे पहले जो की जा रही है वो है अल्फा टेस्टिंग और इसके बाद जो की जा रही है वो है बीटा टेस्टिंग। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो है जो यूजर जो कंपनी है डेवलपमेंट कंपनी वहीं पे टेस्टिंग हो रही है और बीटा टेस्टिंग जो हो रही है वो रियल यूजर्स जो है इसको टेस्ट कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है बीटा टेस्टिंग के, यहाँ पर क्या होता है कि बीटा टेस्टिंग जब की जा रही है तो इसको यूजर्स खुद ही टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूसेस प्रोडक्ट फेलियर रिस्क बाय कस्टमर वैलिडेशन। जैसे जैसे कस्टमर इसको यूज करते जाते हैं, ठीक है, और वो इसकी वैलिडिटी मतलब इसको वैलिड बताते जा रहे हैं, वो इसको यूज कर रहे हैं और वहाँ पे हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है, वैसे वैसे प्रोडक्ट का फेलियर होने का रिस्क जो है वो धीरे 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 करके क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कितने भी टेस्ट केसेस बना लें, कितने भी टेस्ट केसेस जनरेट कर लें,
लेकिन जब रियल यूजर्स रियल कस्टमर्स इसको यूज करते हैं तब वहाँ पर कुछ अलग तरीके के फीडबैक हमको मिल पाते हैं और उन फीडबैक के बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो काफ़ी इन्हेंस्ड हो जाती है। दूसरी चीज़ कि कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू सिमिलर डेटा गैदरिंग मैथड्स, इसी तरीके के और अगर और टेस्टिंग के कंपैरिजन में बीटा टेस्टिंग जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और साथ ही साथ जब हम बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं और कस्टमर का फीडबैक ले रहे हैं और उस बेसिस पे फिर हम प्रोडक्ट को इन्हेंस कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो पाता है, इंक्रीज हो पाता है। तो इस तरीके से बीटा टेस्टिंग के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो अभी तक जितनी भी टेस्टिंग हुई है बीटा टेस्टिंग के अलावा वो सब के सब डेवलपमेंट कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही करी है, तो वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। लाइक अगर हमने 10 टेस्ट केस जनरेट करे हैं तो वो 10 के 10 ही टेस्ट केस जो है वो इनपुट में दिए जाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये रियल यूजर एंड पर होती है, तो यहाँ पर कोई भी एनवायरनमेंट पर कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी यूजर किसी भी तरीके से उसको ऑपरेट करेगा और हर केस में सिस्टम को हमें देखना है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इसमें क्या होता है कि ये देखना कि लोग उसको सही तरीके से यूज करें, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ भी हम इनपुट डाल रहे हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, उसकी जगह कुछ भी डाले जा रहे हैं। हर केस में हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्स दे, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये भी बीटा टेस्टिंग का एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर मैं फेजेस दिखाऊं आपको टेस्टिंग के यहाँ पे, तो ये तो हमारे अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग ये तो है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जितना भी कुछ हुआ उसको हमने प्री अल्फा बोल दिया, और उसके बाद क्या होता है जब हमने अल्फा टेस्टिंग करी, अल्फा टेस्टिंग के बाद हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया, वहां पर जाकर कौन सी टेस्टिंग हुई, बीटा टेस्टिंग हुई, और बीटा टेस्टिंग के बाद क्या कर दिया गया, रिलीज कैंडिडेट और उसके बाद रिलीज, मतलब बीटा टेस्टिंग के बाद हमें जो भी प्रॉब्लम आई जो भी एरर हुई वो हमने वहां पर बताया, और उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, प्रॉब्लम को रिलीज, वहां से इशू को रिजॉल्व वहां से कर दिया गया। तो ये सारी जो फेजेस हैं टेस्टिंग के हम बोल सकते हैं इस तरीके से। और अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो हमेशा जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइट पर ही होती है, डेवलपर्स जो है इसको करते हैं परफॉर्म, लेकिन ये जो होती है कस्टमर्स के साइट पर होती है, खुद कस्टमर ही इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये था फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि इसके लिए एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में वो लोग करते हैं, और यहाँ पे जो होती है कोई भी टेस्टिंग टीम नहीं होती है बल्कि रियल यूजर्स ही होते हैं। अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो किसी भी मार्केट और पब्लिक में नहीं होती है, जबकि बीटा टेस्टिंग जो होती है वो ओपन मार्केट और पब्लिक में ही होती है। फोर्थ वन, इट इज कंडक्टेड फॉर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट एंड इट इज यूजुअली कंडक्टेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अगर मैं अल्फा टेस्टिंग की बात करती हूँ तो अल्फा टेस्टिंग हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए की जाती है, जबकि बीटा टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए ही की जाती है। एंड इट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन वर्चुअल एनवायरनमेंट, इट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ये मेजर डिफरेंस है। आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQ अगर आप कहीं पर देते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो अल्फा टेस्टिंग हमेशा वर्चुअल एनवायरनमेंट में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो टेस्टिंग टीम है, जो टेस्ट केसेस हम बना रहे हैं वो हमारी इमेजिनेशन है कि जो यूजर है वो इस सिस्टम में ये भी इनपुट को दे सकता है, और अगर वो ये इनपुट देता है तो क्या आउटपुट हमको यहाँ पर मिलेगा। तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के चलते वहाँ पर अल्फा टेस्टिंग हो रही है, लेकिन बीटा टेस्टिंग जो है वो रियल टाइम है, क्योंकि वहाँ पर रियल यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस हो सकता है अल्फा और बीटा टेस्टिंग में। तो अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक मेरे बाकी वीडियोस को वॉच कीजिए। थैंक यू।